नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग क्लास टेंथ की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ऊंचाई दूरी कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस में उधर प्रकाश का परावर्तन पूरा कर चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्वेश्चन बताने हैं, तो उधर वो भी चलेगा, इधर ये भी चलेगा। अगर आप कुछ कोई प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, आपका जो है आपकी प्रश्नावली अच्छे से समझाई जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने यार दोस्त मित्र को सभी को भेजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार द स्पीड स्टडी में जुड़ें। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा है समांतर, अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये समान और प्लस अंतर। इसका मतलब कि ऐसी श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज या श्रृंखला, ठीक, सीरीज या श्रृंखला। तो ऐसी श्रृंखला जिसके बीच जो है अंतर जो हो वो क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ए लिखा है, ठीक, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी कामा ए प्लस फोर डी कामा ए प्लस फाइव डी कामा डाटा। हम क्या देख रहे हैं इसमें, इसका इसका अंतर कितना है। अंतर का मतलब दूसरे में से पहला घटाइए, अंतर मिल जाएगा। अगर हम a प्लस डी में से, अगर हम a प्लस डी में से a को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताइए, d मिलेगा। अगर हम उसी तरह इसके दोनों के बीच का अंतर देखें तो a प्लस टू डी में से a प्लस डी घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, भाई a से a कट जाएगा, d मिलेगा। उसी तरह अगर हम इसमें से इसको घटा दें, अर्थात a प्लस थ्री डी में से a प्लस टू डी जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, इसका मतलब क्या मिला, d। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर वाक्य में, हर पद में जब हम घटा रहे हैं तो हमको अंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। अगर हमको अंतर समान मिलेगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमारी दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जैसे अगर ये न दिया होता, गिनती दिया होता दो चार छ आठ दस डाटा डाटा, अगर ये दिया है और कोई पूछ लिया कि इसमें कौन सी श्रेणी है तो हम क्या बताएंगे, कुछ मत कीजिए, सिर्फ तीन पद ले लीजिए आप, पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में से पहला घटाइए, तीसरे में से दूसरा घटाइए, अगर दोनों के बीच का अंतर बराबर आता है तो जान लीजिएगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। मतलब कि अगर हम चार में से दो घटाएंगे तो दो मिलेगा, छह में से चार घटाएंगे तब भी दो मिलेगा, छह में से आठ में से छह घटाएंगे तब भी दो मिलेगा, दस में से आठ घटाएंगे तब भी दो मिलेगा। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में जो अंतर हो रहा है, अंतर हमारा समान है, अर्थात सब में जो अंतर मिला हमको समान अंतर मिला, और समान और प्लस अंतर बराबर समांतर, ठीक। तो ये चीज है कि मतलब पदों का अंतर जो है वो हमको समान मिल रहा है। तो समांतर श्रेणी का जो मेन टारगेट, मेन बात यही है कि क्या समान और अंतर। तो हम जैसे लेते हैं, अगर हम फार्मूला बनाएं इसका, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये d, यानी कि अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या फार्मूला बनेगा, प्रथम पद बराबर a, पहला पद हम a मान ले, तो जो फार्मूला बनाया जाएगा वो हमारा इसी मेन से बनाया जाएगा, ठीक, इसी से बनाया जाएगा, प्रथम पद बराबर a, जो पहला पद है a है, ठीक, सार्वांतर का मतलब क्या हो, वही चीज जो अंतर आ रहा है वही हमारा सार्वांतर कहलाता है। मतलब प्रत्येक पद में हमको क्या अंतर मिला, तो अभी हम देखे थे हमको प्रत्येक पद में d अंतर मिल रहा है, क्या अंतर मिल रहा है, d अंतर मिल रहा है, इसका मतलब सार्वांतर क्या है, d है। तो अगर हमको प्रथम पद दिया गया रहे
और सर्वांतर दिया गया रहे, अगर कोई कह दे कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा बताइए भाई। पहले पद में अगर हम यही सर्वांतर डी जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा पद अर्थात ए प्लस डी। फिर अगर हम तीसरा पद निकालें तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर ये हमारा दूसरा पद और प्लस डी, अर्थात दूसरा पद हमारा क्या है ए प्लस डी और प्लस डी, यानी कि ए प्लस टू डी, ये हमारा तीसरा पद। अगर हम चौथा पद करें तो चौथा पद यहां से क्या हो जाएगा, चौथा पद बराबर हो जाएगा यानी कि तीसरा पद और प्लस डी, यानी कि ए प्लस टू डी और प्लस डी, यानी कि ए प्लस थ्री डी। आप हमारा वीडियो 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट आप बैठ के देख लीजिए, अगर इस 20 मिनट के बाद पूरी प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो चौथा पद क्या हो गया, इतना हो गया ए प्लस थ्री डी। अगर इसी तरह हम पांचवा पद निकालें तो क्या हो जाएगा, चौथा पद प्लस डी, यानी चौथा पद क्या है ए प्लस थ्री डी और प्लस डी, यानी बराबर ए प्लस फोर डी। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं केवल हमारा डी का मान बढ़ रहा है भाई, पहले डी था फिर टू डी था फिर थ्री डी था फिर फोर डी था, डी का मान हमारा बढ़ रहा है। और डी का मान किस तरह बढ़ रहा है, जब यहां दो था तो यहां एक डी था, यहां तीन था तो यहां दो डी था, यहां चार था तो यहां तीन डी था, यहां पांच था तो यहां चार डी था, मतलब इससे एक कम। इसी तरह अगर ये क्रम आगे चले अगर हम यहां से यनवा पद निकालें अर्थात टी यन, यनवा पद अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ए तो रहेगा ही क्योंकि ए सब में है, देखिए ए हमारा सब में है, यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, इसमें देखिए ए ए ए ए, अर्थात पहला पद हमारा नहीं बदलेगा, पहला पद ए ही रहे, प्लस 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 अर्थात प्लस ए प्लस, उसके बाद ए प्लस और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए डी टू डी थ्री डी फोर डी, मतलब डी हमारा बढ़ रहा है, जब यहां दो था तो यहां एक, दो से एक कम, यहां तीन था तो तीन से एक कम, यहां चार था तो चार से एक कम, यहां पांच था तो पांच से एक कम, अगर यहां यन है तो यहां क्या हो जाएगा बताइए, यन से एक कम हो जाएगा, यानी कि यन माइनस वन, यन से एक कम हो जाएगा क्या, और ये चीज है हमारा यनवा पद, यानी कि टी यन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जिस तरह मैं बता रहा हूं पूरा आप इसी तरह अपनी नोट्स बनाइए। गारंटी करता हूं कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ा दे रहा हूं उस तरह की नोट्स अगर कोई दे दे या उस तरह कोई पढ़ा दे तो मुझे बताना, इसको इतना फैलाइए कि आपके यार दोस्त मित्र भाई बहन सबके पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारे लिए 2 मिनट का समय निकाल करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं इसके बाद, ये तो हमारा था कि यनवा पद बराबर इतना हो गया। अगर हम यही, ये हमारा यनवा पद था, इसके बाद चलते हैं, अगर हम वो किसी श्रेणी में बोल दें, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बाद एग्जाम्पल, एक देखते हैं, दो चार छ आठ दस बारह, ठीक। अगर हम कह दें कि अंतिम पद को हम यल से लिखते हैं, किससे, यल से हम अंतिम पद लिखते हैं, और यल बराबर हमको दिया है कितना, बारह दिया है, प्रथम पद हमको दो दिया है, ए बराबर कितना दिया है, दो दिया है। अगर कोई ये कह दे कि ये बताइए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, क्या याद करना है, इस श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक। तो हमने अभी क्या देखा,
हमने देखा कि जो हमारा यनवा पद होता है टी यन, हमको हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा यनवा पद है अर्थात टी यन, ये होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू बी, यही तो देखा हमने। तो हमारा यनवा पद अर्थात यनवा पद हमारा क्या है, यनवा पद है हमारा 12। तो यनवा पद हमारा 12 है, यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यनवा पद हमारा क्या है 12, या एन की जहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, एन की जहां पे अंतिम पद हमको दिया है तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। एक चीज आप ये याद रखिएगा अर्थात इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, यदि अंतिम पद यल हो तब यल बराबर ए प्लस यल माइनस वन इंटू डी। ठीक, यदि अंतिम पद अगर यल हो तो यल बराबर होता है ए प्लस यल माइनस वन इंटू डी। तो अब चलिए देखिए, अब जब वहां पे सूत्र लिख दिए तो यहां पे जो है हम मान रख लेंगे। हमको देखिए टी यन यानी कि यनवा पद अर्थात कितना दिया गया है 12 बराबर ए, प्रथम पद कितना दिया गया है 2 प्लस यन, यन का मान हमको निकालना है, कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या का मतलब यन का मान हमको निकालना है, तो यन और माइनस वन इंटू डी। डी हमने क्या बताया, डी हमारा क्या हो जाएगा इसमें बताइए, डी का मतलब जो बीच में अंतर रहे भाई, इसमें दो जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि हम क्या देख रहे हैं सब में जो अंतर है हमारा, अंतर कितना है 2 का अंतर है। इसका मतलब कि जो हमारा डी का मान है, डी का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा यानी कि 12 बराबर 2 प्लस, इसको शामिल कर दीजिए, 2 एकम 2 एन माइनस 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात 2 एन बराबर 12, तो एन बराबर 2 छा 12, एन बराबर 6, यही आ जाएगा आंसर। तो अगर हमको पहला पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे और सर्वांतर दिया रहे और कह दिए कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या हमको कैसे मिलेगी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फार्मूले में मान रखेंगे और एन का मान जो हो जाएगा वो हमारा पदों की संख्या हो जाएगी। आगे देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, अगला क्वेश्चन देखिए, पदों का योग ज्ञात करना, क्या चीज, पदों का योग ज्ञात करना, जैसे ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इसी तरह डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा यनवा पद है भाई, यन पदों की श्रेणी दी गई है और कह दिया जाए कि पदों का योग ज्ञात कीजिए, कब, जब समांतर, हाँ ठीक, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपकी किताब में है, तो हर नियम का मैं बता दे रहा हूं बेसिक पहले, उसके बाद फिर जब प्रश्नावली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यन पदों का योगफल, मतलब अगर हमको पहला पद ए दिया गया हो, ठीक, सर्वांतर हमारा डी दिया गया हो और कह दिया जाए कि यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए अर्थात यस यन बराबर जितना पद रहेगा यन बटे दो, और टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा यन पदों के योगफल का फार्मूला, ये है हमारा क्या, यन पदों के योगफल का फार्मूला। या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या चीज है कि यस यन बराबर यन बटे दो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं भाई, टू ए को हम लिख दिए ए प्लस ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको पता है, हमको क्या पता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है, यन होता है। तो या इसको लिख सकते हैं यस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन, ठीक, ये भी एक फार्मूला
है, ये कब है? अगर हमको क्वेश्चन दिया गया रहे कि 2, 4, 6, 98 का योगफल ज्ञात कीजिए, 2, 4, 6, 98 का योगफल हमको ज्ञात करना हो, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। टोटल 98 है, इसका मतलब 98/2, 2 4 8 2 9 18, अर्थात यन का मान हमारा है 49, यन का मान 49 है। तो यन का मान है पता है हमको, ए का मान हमको 2 दिए ही है, और डी का मान हम देखेंगे तो अंतर इसमें देख रहे हैं 2 का है, तो ए का मान पता है, डी का मान पता है, यन का मान पता है, और यन का मान पता है, यन बराबर कितना है यानी कि अंतिम पद 98। तो जब सारा मान ए डी और यन का मान पता हो, तो अगर कह दे कि यनवा पद ज्ञात, मतलब यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फार्मूला है n/2 a+। तो ये चीज है आपका, सारा चीज हमने इसमें बता दिया। इसके बाद देखिए, ठीक और कुछ बचता नहीं, तो इसी इतने नियम पर, जितना हमने आज बताया इसी इतने नियम पर जो है आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, प्रश्नावली 5। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, और इसको ऐसा कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अगर ज्यादा लोग देखेंगे तो हम भी जो है आपका कोर्स पूरा कराएंगे, नहीं तो जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे कहेंगे कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। ये भी चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट किए, बोले सर कि ये चैप्टर पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया। अगर आपको भी कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, और हमारे परिवार का सदस्य बने और अपने परिवार के सदस्य को पढ़ाएं। मतलब हमारा जो द स्पीड स्टडी है ये एक परिवार है, और इस परिवार के आप सभी सदस्य हैं। नमस्कार, मिलते हैं।